हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में ही रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी नो एग्जिट को। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है डार्बी, जो कि एक ड्रग एडिक्टेड है। वो अलग अलग सेंटर्स पर जाकर 7 बार अपनी एडिक्शन छुड़वाने का ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो अभी तक एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए डार्बी को आना पड़ा एक रिहैब पर, लेकिन वो रिहैब पर विश्वास नहीं रखती, उसे यहाँ पर मजबूरी में आना पड़ा। सेशन के बीच में ही डार्बी के लिए एक कॉल आ जाता है और वहाँ पर काम कर रहा वर्कर माइक उसे आकर ले जाता है। फोन किया था जो ने, जो कि डार्बी का कोई जानकार है। वो डार्बी को बताता है कि तुम्हारी माँ की हालत खराब है, फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके बचने के चांसेस काफी कम है। तुम्हें जल्दी से अपनी बहन डेवन को कॉल करना चाहिए। फिर नंबर देकर वो कॉल काट देता है। डार्मी भी नंबर लिखकर कॉल लगा रही थी, लेकिन ये रिहैब सेंटर के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए माइक उसे कॉल लगाने नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया है। तब डार्मी भी उसे सब कुछ बताती है, लेकिन तब भी वो नहीं मानता। तब परमिशन लेने के लिए डार्मी डॉक्टर को कॉल लगाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठाता। अब मॉम की हालत जानना भी जरूरी था, इसीलिए डार्मी रात को जेड नाम की लड़की के पास पहुंच गई, क्योंकि जेड के पास एक फोन है। डार्मी उसके फोन से अपनी बहन डेवन को कॉल करती है ताकि उसकी बहन रिहैब सेंटर से बात करके डार्मी को कुछ दिनों का ब्रेक दिलवा दे और डार्मी अपनी मॉम से मिल पाए। लेकिन डार्मी की बहन उसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि डार्मी एक ड्रग एडिक्टेड है और उसे बाहर निकालना गलत होगा। डार्मी की बहन डेवन भी पहले से अपनी मॉम के लिए काफी परेशान है और वो अपनी परेशानियां और बढ़ाना नहीं चाहती, ये कहकर वो कॉल काट देती है। ये रास्ता भी काम नहीं आया, इसीलिए डार्मी को गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ टूल्स इकट्ठा करके चोरी छुपे वो सेंटर से बाहर निकल आई। बाहर आकर वो एक कार में घुस जाती है और वो कार है माइक की। उस कार में डार्मी को ड्रग्स मिलता है, मतलब माइक भी एक ड्रग्स एडिक्टेड है। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से कार स्टार्ट करके वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही मौसम बिगड़ना स्टार्ट हो गया। इसी बीच डार्मी के पास अपनी बहन डेवन का मैसेज आता है। डेवन उसे हॉस्पिटल आने के लिए मना कर रही थी। अब यहाँ डार्मी को थोड़ा दुख होता है, इसीलिए वो ड्रग्स लेना चाह रही थी, लेकिन वो ड्रग्स ले उससे पहले ही वो सो गई। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उसे आकर जगाता है, क्योंकि वहाँ पर तूफान आ रहा था। डार्मी जल्दी से ड्रग्स छुपाकर उससे बात करती है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि आगे रास्ता बंद है, वो आगे नहीं जा सकती। वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो डार्मी वापस चली जाए या तो आगे एक वेटिंग सेंटर है, वहाँ पर रुक कर वो वेट करे। अब वापस तो वो जा नहीं सकती, इसीलिए वो वेटिंग सेंटर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर एक वैन और एक जीप पहले से मौजूद थी। डार्मी को अंदर मिलता है एक कपल, एड और सैंडी, एक सोया हुआ लड़का एस और एक दूसरा लड़का लार्स। ये कपल काफी फ्रेंडली है, लार्स थोड़ा अजीब है, बाकी एस तो आराम से सो रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वहाँ जाते ही सबसे पहले डार्मी बाथरूम में पहुँच जाती है, क्योंकि उसे ड्रग्स लेना था, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेती है। वो अपनी बहन को फोन करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे। तब एड डार्मी को बताता है कि बाहर एक जगह पर मुश्किल से सिग्नल्स आ रहे हैं। ये सुनकर वो सिग्नल्स ढूंढने बाहर निकल जाती है। डार्मी इधर उधर भटक रही थी, तभी डार्मी को कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए डार्मी पहुंच जाती है वैन तक। खिड़की से बर्फ हटाकर वो अंदर चेक करती है और वैन के अंदर जागते ही डार्मी सुन हो गई थी, क्योंकि वैन में कैद थी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही उसका मुंह भी टेप से बंद किया हुआ था। डार्मी वैन का दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, लेकिन वैन लॉक थी। तब डार्मी उस वैन की नंबर प्लेट की फोटो ले लेती है, जो कि उसने काफी सही किया। अब वैन यहाँ पर खड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसका ओनर भी अंदर होगा, यानी कि किडनैपर अंदर ही बैठा है। अब डार्बी को पता लगाना है कि आखिर वो है कौन। वहाँ पर सिग्नल्स नहीं है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती और ना ही किसी पर भरोसा कर सकती है, जब तक सच पता ना चल जाए। खैर डार्बी देखती है कि वेटिंग सेंटर से कोई बाहर आ रहा है। उसे देख कर डार्बी फिर से सिग्नल्स ढूंढने लग जाती है। सिग्नल्स ढूंढते हुए वो अपनी कार में जाकर बैठ गई, साथ ही सेफ्टी के लिए उसने एक हथियार भी छुपा लिया। सेंटर से बाहर आया था एड, जो कि खुद भी सिग्नल्स ढूंढ रहा था। एड डार्बी से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन डार्बी उसकी बातों को टालते हुए चुपचाप अंदर आ जाती है। अब डार्बी अंदर तो आ गई, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस वैन पर था, क्योंकि वैन में एक बीमार बच्ची है जिसे हेल्प नहीं मिली तो वो मर जाएगी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, डार्बी की घबराहट भी बढ़ती जा रही है। इतने में ही एस भी जाग जाता है। तब वो सब आपस में ही जान पहचान कर रहे थे, लेकिन डार्बी का ध्यान अब भी उसी वैन पर था और वो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक गलत कदम काफी घातक साबित
हो सकता है। एड उन सबको ताश खेलने के लिए कहता है, लेकिन ताश खेलने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तब वो अजीब लड़का लार्स सबको एक नया गेम बताता है जिसका नाम है बुलशिट। खाली बैठकर वो सब बोर हो रहे थे, इसीलिए गेम खेलने लग जाते हैं और ये गेम डार्बी के लिए सुनहरा मौका बन गई थी। गेम का फायदा उठाकर डार्बी हर एक से जानकारी निकलवा लेती है। हमें पता चलता है कि एड और डार्बी के फादर दोनों सोल्जर्स थे, लेकिन अभी डार्बी के डैड नहीं है और एड रिटायर्ड हो चुका है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लार्स बैटल माउंटेन जा रहा है जो कि है नवाडा में, तो यानी कि यही है किडनैपर, और उसका बिहेवियर ही हमें स्टार्टिंग से इस बात की गवाही दे रहा है। लार्स बौखला गया था क्योंकि वो अपनी सजेस्ट की गई गेम हार गया था। हार उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो सारे कार्ड्स उठाकर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद डार्बी बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन वहां पर भी सिग्नल्स नहीं थे। तब वो मैसेज करने का ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल्स ना होने की वजह से मैसेज भी अटक गया। लेकिन अब भी डार्बी के पास एक प्लान है। बाथरूम की दीवार को जुगाड़ लगाकर पैक किया हुआ था, जिसे हटाकर डार्बी चोरी छुपे बाहर निकल जाती है। अपने साथ वो एक कटर भी लाई थी, जिसका यूज करके वो वैन का दरवाजा भी खोल लेती है। लेकिन वो बच्ची को फ्री कर पाती उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है लार्स, जिस वजह से डार्बी को वैन के अंदर ही छुपना पड़ता है। लार्स वहां पर हीटर चालू करने आया था क्योंकि उस बच्ची को ठंड ना लगे। साथ ही लार्स कहता है कि अंकल किम के पास तुम खुश रहोगी। यहां हम समझ पाते हैं कि ये कोई फिरौती वाली किडनैपिंग नहीं है, बल्कि ये सेलिंग वाली है, यानी कि लार्स उस बच्ची को बेचने जा रहा था। लेकिन रास्ते में तूफान आ गया, इसीलिए मजबूरी में इसे यहां पर रुकना पड़ा। लार्स उस बच्ची के लिए स्नैक्स लेने वापस जाता है। इसी बीच डार्बी उस बच्ची को संभालती है। उस बच्ची का नाम है जे और उसके हाथ में एक बैंड है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्ची किसी बीमारी का शिकार है। उन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि लार्स स्नैक्स लेकर वापस आ रहा था। तब डार्बी उस बच्ची जे को कटर देकर वहां से निकल जाती है। लार्स वहां पर आ गया और वैसे तो वो काफी बेवकूफ है, लेकिन यहां उसने डार्बी के पैरों के निशान देख लिए। वो पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहीं से घूमकर वो वापस बाथरूम तक पहुंची है। सामने से तो डार्बी जा नहीं सकती। वो बाथरूम तक पहुंची ही थी कि तभी दरवाजे पर आ जाता है एस। वो एस को सच बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां पर आ जाता है लार्स। तब डार्बी एस को किस करने लगती है, जिससे लार्स वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डार्बी एस को सब कुछ बता देती है और अब एस भी सब कुछ जान गया। वो डार्बी को जे के पास जाने के लिए कहता है ताकि लार्स उसके पीछे जाए। इसी बीच वो एड को सब कुछ बताकर उसकी हेल्प ले आएगा। उसकी बात मानते हुए डार्बी वहां से निकल जाती है। साथ ही एस भी एक नेल गन लेकर वहां से निकल जाता है क्योंकि लार्स के पास एक गन है। डार्बी वैन में पहुंचकर जे को फ्री कर रही थी। तब जे उसे अपने किडनैपर्स के बारे में पूछती है। जी हाँ, किडनैपर नहीं बल्कि किडनैपर्स, वो दो हैं, यानी कि एस भी लार्स का साथी है। और अब वो दोनों गन लेकर वैन की तरफ आ रहे थे। ये दोनों भाई हैं और जे को ये दोनों ले जा रहे हैं उसके अंकल किम के पास, और वो जे को किसी और को बेच देगा। डार्बी ने गलत आदमी से अपनी बात शेयर कर दी। खैर, टाइम रहते डार्बी वैन से निकलकर जंगल की ओर भाग जाती है और वो दोनों भी उसके पीछे थे। वहां से घूमकर डार्बी फिर से बाथरूम के रास्ते अंदर आ जाती है ताकि वो एड को सब कुछ बता सके। लेकिन डार्बी एड तक पहुंचती उससे पहले एस वहां पर आ जाता है। यहां उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और हम भी कुछ जान पाते हैं। जे का फादर काफी अमीर है और जे के बदले वो दोनों उससे पैसों की मांग करेंगे और पैसे मिलते ही वो उसे वापस छोड़ आएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन डार्बी ये बात नहीं जानती। जे को एडुलिन नाम की एक बीमारी है जिस वजह से किसी भी तरह का एक्साइटमेंट उसकी जान ले सकता है। यहां एस डार्बी के फोन में मैसेज भी चेक कर लेता है और जो मैसेज डार्बी ने पुलिस को भेजा था उसे भी डिलीट कर देता है। एस को ये भी पता चल गया कि डार्बी की उसकी फैमिली से नहीं बनती। एस उससे इसकी वजह पूछता है। तब डार्बी उसे अपने एडिक्शन के बारे में बता देती है और यहां हम भी उसकी एडिक्शन की वजह जान पाते हैं। डार्बी के डैड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था और उसी गम में डार्बी ड्रग्स लेने लगी और वो आदत धीरे धीरे इसकी एडिक्शन बन गई। अब एस डार्बी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, वरना वो सबको मार देगा। डार्बी को इसका गुलाम बनकर रहना होगा। इसी बीच सैंडी भी वहां पर पहुंच जाती है डार्बी से अकेले में बात करने, लेकिन डार्बी ने सैंडी को कुछ भी नहीं बताया। अब वो सब साथ में बैठे हुए थे। एड डार्बी को अपने डैड की कुछ स्टोरीज बताने के लिए कहता है, पर डार्बी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन एस उसे सुसाइड की कहानी सुना देता है, जिस वजह से एड काफी गुस्सा हो गया था। अब ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक डार्बी अलर्ट हो गई थी क्योंकि अपने आप को फ्री करके जे वैन से बाहर आ गई और वो भाग गई है जंगल की तरफ। यहाँ फिर से खलबली मच गई क्योंकि उन दोनों किडनैपर्स ने भी उसे देख लिया। लार्स बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। डार्बी बाथरूम में चली जाती है और उसके पीछे एस भी, लेकिन एस के अंदर आते ही डार्बी उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी डार्बी एस पर काबू नहीं कर पाती। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच डार्बी को एस की वैन की चाबी मिल गई। वापस आकर लार्स बताता है
है कि जे भाग चुकी है, हमें जल्द ही उसे ढूंढना होगा। वो दोनों डार्बी को जंगल में ले जाते हैं और उसके जरिए वो जे को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्बी यहाँ भी उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तब एस गोली चला देता है जिसकी आवाज एड ने भी सुन ली। अब तो एड को भी कंफर्म हो गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो चेक करने बाहर जाता है तो बाहर उसे मिलती है जे जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। एड उसे जल्दी से उठाकर अंदर लाता है और सैंडी उसे चेक करती है क्योंकि वो एक नर्स है। इतने में डार्बी भी उन दोनों को चकमा देकर वापस वेटिंग सेंटर पर पहुंच गई। डार्बी उन दोनों को भी सच बता देती है। खैर वो दोनों भी वहां पर पहुंच गए लेकिन एड उन्हें धमकी देकर बाहर ही रोक लेता है। वो कहता है कि तुम दोनों में से कोई भी अंदर आया तो मैं एक ही झटके में तुम्हें शूट कर दूंगा। हालांकि उसके पास कोई गन नहीं थी लेकिन धमकी सुनकर वो दोनों बाहर छुप जाते हैं। एस अंदर जाने की कोई तरकीब खोज रहा था तब लार्स उससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अगर जे को उसकी मेडिसिन नहीं मिली तो वो जल्द ही मर जाएगी। वैसे है तो ये बेवकूफ लेकिन इसने एस को आइडिया अच्छा दे दिया। अब एस उन सबको ब्लैकमेल करने लगता है जे की मेडिसिन के बदले। एस कहता है कि तुम जे को अपने पास रखो और वो मर जाएगी, या तो उसे हमें दे दो, हम उसे मेडिसिन दे देंगे, इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन एड उसके सामने एक डील रखता है। एड कहता है कि तुम हमें मेडिसिन दो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारी वैन की चाबी देंगे। ये सुनकर एस भी चौंक गया क्योंकि बिना वैन के ये यहाँ से नहीं निकल सकते। तब वो दोनों जाकर वैन में से गैस कैन ले आते हैं क्योंकि अब वो इन सबको जिंदा जलाएंगे। हालांकि एड ये जानता है कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें जे भी तो चाहिए, लेकिन डार्बी और सैंडी को ऐसा नहीं लगता। तब एड डार्बी को अपनी कार की चाबी देकर सभी चाबियां छुपाने के लिए कहता है और डार्बी पीछे जाकर चाबियां छुपा देती है। बाहर वो दोनों फ्यूल छिड़क कर गिनती स्टार्ट कर देते हैं। एस एड से कहता है कि किसी दूसरे के लिए अपनी जान देना बेवकूफी है। तब एड कहता है कि मैं एक फौजी हूँ और यही तो मेरा काम है। एड तो हार नहीं मान रहा, इसीलिए एस टारगेट करता है सैंडी को और सैंडी भी उसकी बातों में फंस रही थी। वो तीनों ही हथियार लेकर उन दोनों का वेट कर रहे हैं। एड और डार्बी के पास है टूल और सैंडी के पास है पेपर स्प्रे। इसी बीच जे भी जाग जाती है और सैंडी को देखकर कहती है मिसिस लाउरी, क्योंकि जे सैंडी को जानती है। सैंडी जे के घर की नौकरानी है और उसने किडनैपिंग में हेल्प की और रीजन था पैसा। सैंडी नहीं जानती कि ये दोनों जे को बेचने वाले थे, उसे तो यही लग रहा था कि इसके बदले वो पैसा मांगेंगे। तो पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोनों जे को लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही तूफान स्टार्ट हो गया, इसीलिए इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा और इनके पास जे की मेडिसिन खत्म हो गई थी। इसीलिए सैंडी मेडिसिन देने यहाँ पर आई थी और एड को लगा कि ये कोई सरप्राइज ट्रिप है। एड एक रिटायर्ड फौजी है और इनकी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। सैंडी भी एक नौकरानी है और वो ज्यादा पैसा नहीं कमाती। आगे की जिंदगी बिताने के लिए इन्हें पैसों की जरूरत है और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका सैंडी को ये लगा। और उधर उन दोनों की गिनती खत्म होती है तब सैंडी उन्हें चिल्ला कर बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है और डार्बी की आंखों में सैंडी पेपर स्प्रे डाल देती है। अब वो दोनों ही अंदर आ गए। उन दोनों से मेडिसिन लेकर सैंडी जे की जान बचा लेती है। तब डार्बी सैंडी को बताती है कि ये लोग जे को बेचने वाले थे, जे वापस कभी अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचेगी। ये बात जानकर सैंडी को भी पछतावा हो रहा है लेकिन बस नाम का। वो उन दोनों को कहती है कि जे को लेकर यहाँ से चले जाओ। एस भी इसके लिए तैयार था। वो एड से वैन की चाबी मांगता है लेकिन वो इसके पास नहीं थी। सैंडी उन दोनों को बताती है कि डार्बी ने चाबी छुपा दी है। तब एस डार्बी से चाबी के बारे में पूछता है लेकिन एड कहता है कि इन्हें मत बताना। इस बातों से एस भी पक गया था, इसीलिए वो सीधा ही एड को शूट कर देता है। अब सैंडी पैसों का क्या करेगी। एड के मरते ही सैंडी एस पर हमला करती है। तब लार्स बीच में आकर अपनी आंखों में स्प्रे डलवा देता है कि तभी एस सैंडी को भी शूट कर देता है और एक ही झटके में वो कपल मारा गया। अब लार्स की आंखें जल रही थी इसीलिए वो दोनों आंख धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं, लेकिन बाथरूम में जाने से पहले एस डार्बी के हाथ में कील घुसा देता है। डार्बी कील निकालने की पूरी कोशिश करती है लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। वो पास में रखा हैमर उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसे भी उठा नहीं पाती। तब वो हेल्प मांगती है जे से। जे भी उसे हैमर दे देती है और वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो दोनों भाई वहां पर आ गए। वापस आकर एश डार्बी से चाबी मांगता है लेकिन डार्बी उसे चाबियों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तभी डार्बी के मोबाइल पर मैसेज आता है और उसे पढ़कर एश डार्बी को बताता है कि तुम्हारी मॉम अब नहीं रही। और एक और मैसेज आता है कि पुलिस भी वहां पर आने के लिए निकल गई, यानी कि डार्बी का मैसेज पुलिस तक पहुंच गया था। और अब एस काफी सख्ती से डार्बी से चाबी मांगता है लेकिन अब भी डार्बी कुछ नहीं बताती, इसीलिए वो यूज करता है जे को। वो जे के हाथों में भी कील घुसा रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी डार्बी उसे चाबियों के बारे में बता देती है। एस लार्स को गन पकड़ा देता है और कहता है कि इन दोनों में से कोई भी चालाकी दिखाए तो उसे शूट कर देना। ये कहकर वो चाबियां ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन डार्बी जानती है कि जे उनके लिए काफी जरूरी है, इसीलिए लार्स उसे शूट नहीं करेगा। इसीलिए डार्बी जे
जे को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है और जे ने ऐसा कर भी दिया। लार्स उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच डार्बी ने ड्रग्स लेकर अपने हाथ से किल निकाल ली और लार्स जैसे ही लाइट्स ऑन करता है तभी डार्बी उस पर हमला कर देती है। एस चाबी लेकर वापस आता है और वापस आते ही उसके होश उड़ गए थे। डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब एस लार्स को बचाने की कोशिश करता है तब जे उस पर हमला कर देती है जिस वजह से नेल गन चल जाती है और कील सीधा जाकर लगती है लार्स के सर में। अब एस का ध्यान उन दोनों से हटकर अपने भाई लार्स पर चला जाता है। वो लार्स को संभाल रहा था, इसी बीच वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। एस लार्स को वैन तक लेकर जा रहा था तभी लार्स एड के खून पर फिसल कर गिर जाता है और कील पूरी ही उसके सर के अंदर घुस जाती है। यहाँ लार्स भी मारा गया। एड ने मरने के बाद भी अपना काम कर दिया। अब एस बिल्कुल सुन हो गया था। अब ना ही उसे पैसों से मतलब है और ना ही जे से। डार्बी और जे कार में बैठकर वहां से निकल रहे थे लेकिन नेल गन से टायर पंचर करके एस उन्हें रोक लेता है। फिर एस पूरे कैबिन में आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे, लेकिन इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। अब एस पुलिस के सामने नाटक कर रहा था कि जैसे उसकी कार क्रैश हो गई और उसे हेल्प की जरूरत है। ऑफिसर एस को कार से दूर हटने के लिए कहता है लेकिन इसके हाथ में नेल गन थी इसीलिए वो दूर नहीं जाता। इतने में डार्बी एस के कंधे पर गोली मार देती है। अब डार्बी उसे पूरा खत्म करना चाहती थी लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे रोक देता है, लेकिन डार्बी उसकी बात नहीं सुनती इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसके पेट में गोली मार देता है और डार्बी वहां पर गिर गई। एस जल्दी से डार्बी के पास पड़ी गन उठाकर ऑफिसर को शूट कर देता है और अब अगली बारी थी डार्बी की, लेकिन डार्बी भी पहले से तैयार थी। स्क्रू ड्राइवर एस के गले में घुसाकर वो उसे जान से मार डालती है। यहाँ फाइनली डार्बी ने जे की जान बचा ली। डार्बी जल्दी से पुलिस ऑफिसर का वॉकी टॉकी उठाकर अपने लिए हेल्प बुलाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे आपसे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।